अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे डेट इज़ मंडे 22 जून 2020, क्लास 4, सब्जेक्ट आर वे, पेज 128 एंड 129, लेसन नंबर 21, चैप्टर नेम इज़ द स्टोरी ऑफ जॉन चैपमैन। स्टूडेंट्स, आज हमने इसकी जस्ट ट्रांसलेशन लाइंस करनी है। इससे पहले आप इसके वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस कर चुके हैं। ओके, पेजेस देख लीजिए, 128 एंड 129। ये पेज एंड हो रहा है पेज नंबर 129 पर। सबसे पहली लाइन जो मैंने ली है वो यहाँ से है, फर्स्ट लाइन है इस पेज की। मैनी ईयर्स वेंट बाय एंड जॉन चैपमैन स्टिल ट्रैवलिंग इन द फॉरेस्ट। मैनी ईयर्स वेंट, बहुत से साल गुजर गए, एंड जॉन चैपमैन और जॉन चैपमैन स्टिल अभी तक ट्रैवलिंग सफ़र करता है इन द फॉरेस्ट, जंगलों में। बहुत से साल गुजर गए और जॉन चैपमैन फिर भी जंगलों में सफ़र करता रहा। ओके, लाइन नंबर टू, दे फाउंड द प्लेसेस, उन्होंने वो जगहें देखी, वेयर ही हैड प्लांटेड द फर्स्ट सीड, जहाँ उसने पहले बीज बोए थे। उन्होंने वो जगह देखी जहाँ उसने पहले बीज बोए थे। लाइन नंबर थ्री, मोर एंड मोर ट्रीज वर फाउंड एज द वाइट पीपल वेंट फर्दर वेस्टवर्ड। मोर एंड मोर ट्रीज वर फाउंड, ज़्यादा दरख्त वहाँ पाए गए, एज द वाइट पीपल, जैसे ही सफ़ेद फार्म वेंट गए फर्दर मज़ीद वेस्टवर्ड, मगरिब की तरफ। जूँ जूँ सफ़ेद फार्म मगरिब की तरफ गए, इन्हें ज़्यादा दरख्त देखने को मिले। लाइन नंबर फोर, द सीड्स विच ही हैड प्लांटेड एवरीवेयर ग्रू इनटू फाइन ट्रीज। इसने जहाँ कहीं भी बीज बोए, उम्दा दरख्त बन चुके थे। फाइन ट्रीज, उम्दा दरख्त। उसने जहाँ कहीं भी बीज बोए, उम्दा दरख्त बन चुके थे। लाइन नंबर फाइव, अदर ट्रीज वर रेज्ड फ्रॉम देम एंड दस बिगिन द ग्रेट ऑर्चर्ड्स। अदर ट्रीज वर रेज्ड फ्रॉम देम, उनसे और दरख्त उगाए, एंड दस बिगेन द ग्रेट ऑर्चर्ड, और फिर अजीम बागात बनना शुरू हो गए। इनसे और दरख्त उगाए और फिर अजीम बागात बनना शुरू हो गए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ट्रांसलेशन लाइंस आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर लिखनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।